जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडल की और समाज के सामने एक आदर्श रखते हुए बीते 33 वर्षों से सामूहिक शादी समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं और इसी साल जैन कलार समाज की ओर से सामूहिक शादी समारोह का आयोजन किया गया है। ये 34वां साल होने के बाद जैन कलार समाज के सचिव कार्तिक शेंडे द्वारा बताई गई। एक ही मंडप के नीचे युगलों का सामूहिक विवाह अपने आप में मिसाल होता है। सामूहिक विवाह को समय की जरूरत मानते हुए इसका चलन भी पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा है। ऐसा ही अनोखा सामूहिक जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडल द्वारा अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर संपन्न हुआ, जिसमें 16 युवक युवती विवाह सूत्र में बंधे। दुल्हा दुल्हन और परिवार के सदस्यों को विवाह संबंधी संपूर्ण सामग्री संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो सामूहिक विवाह है, ये 34वां सामूहिक विवाह हम लोग आयोजित कर रहे हैं और इस 34वें सामूहिक विवाह में पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हैं, तो 16 कपल यहाँ पर सूत्रबद्ध हो रहे हैं। ये जो आदर्श, ये वाकई आदर्श है समाज के सामने में। जो लोग सामूहिक विवाह में अपने लड़के या लड़की का विवाह करना चाहते हैं, ये वाकई आदर्श की बात है, क्योंकि आज के इस दौड़ भाग की दुनिया में हर कोई अपने काम में इतना बिजी है, लोग किसी के पास में पैसा है, किसी के पास में नहीं है, तो क्यों ज़बरदस्ती जिनके पास में नहीं है तो समाज के पाबंदियों के बीच में हम लोग कर्जा लेके विवाह क्यों करना चाहेंगे। सारी सुविधाएं हम लोग सामूहिक विवाह में यहाँ पर देते हैं, समाज पूरा खर्चा समाज की तरफ से उठाया जाता है। उनको एक जीवनोपयोगी, उनके जीवन में जितनी उपयोग में आने वाली वस्तुएँ सारे हम लोग समाज की तरफ से उनको भेंट देते हैं। एक कपल अपना पूरा जीवन बिता सके इतने चीज़ें हम लोग उनको देते हैं यहाँ से, और 11,000 रुपये का हम लोग उनको चेक भी देते हैं कपल को, जैन कलर समाज मध्यवर्ती मंडल की तरफ से। सामूहिक शादी समारोह हर किसी का सपना होता है कि उनकी बेटी को योग्य वर मिले, इसके लिए माता पिता क्या क्या नहीं करते। लाडली की शादी में माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने की कोशिश भी करते हैं। शेखर आदमणे जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडल का अध्यक्ष असून इथे जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडळ व जिल्हा समिती तर्फे हा 34वा विवाह सोहळ्याचा कार्यक्रम इथे आयोजित करत आहे। याचा मागचा उद्देश हाच आहे की या धकाधकीच्या जीवनामध्ये लग्न जुळवणं आणि लग्न जुळवून कार्य करणं हे फार कठीण कार्य होऊन बसलेले आहे। आधीच्या जगामध्ये सगळे बुजुर्ग लोक हे काम करायचे जुळवण्याचे, त्याच्यासाठी आम्ही एक सामूहिक लग्नाच्या मुलं आणि मुली अशा एकत्र करून आम्ही त्यांचा परिचय मेळावा घेतो आणि त्याच्या माध्यमातून हे लग्न जुळवतो आणि लग्न जुळवून त्यांचे लग्न इथेच व्हावे हा प्रयत्न करतो। कारण हा की समाजामध्ये अनेक लोक श्रीमंत आहेत, अनेक लोक आपले गरीब आहेत, कोणी मध्यमवर्गीय आहे। जर समाजामध्ये एका जणाला जर 2 किंवा 3 मुलं किंवा मुली असल्या तर लग्न करणे फार कठीण होऊन बसते, त्याच्यात त्यांचा खर्च भरपूर होतो। तर या सामूहिक विवाहामध्ये आम्ही आदली हळदीचं जेवण, मेहंदीचा प्रोग्राम, मांडव जेवण, तसेच दुसऱ्या दिवशी घोडे, बग्गी, घोडे, बँडबाजा अशा सुंदर पद्धतीने आयोजन करून लग्न जसा प्रकारे घरी होते त्याच प्रकारे इथे लग्न होतात आणि लग्नाला त्या मुलामुलींना सर्व समाजातील लोकांचा आशीर्वाद मिळतो, हे अत्यंत फार चांगली गोष्ट आहे। ही परंपरा 24 वर्षांपासून मी करतो आहे, येणारी नवीन पिढी याचं अनुकरण यांनी करावं व आजच्या काळाची गरज ओळखून असे समारंभ आहेत करावे, एवढेच मी यांना याप्रसंगी माझ्या टीमला सांगतो आहे। धन्यवाद। मगर उन लोगों का क्या जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। उनकी लाड़ों की शादी करना मानो किसी सपने के सच होने जैसा है। यकीनन उनका यह सपना जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडल सच कर रहा है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।